यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज मैं वापस एक बार फिर से माइनक्राफ्ट के मोस्ट वायरल टिकटॉक हैक्स को टेस्ट करने वाला हूं। और भाई साहब, लास्ट वाले को आप मिस बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यार सच्ची में बहुत ही ज्यादा कूल है। तो खैर, अभी आप इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। नाउ लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहला वाला हैक करने के लिए हमें लगेगा एक रिस्पॉन एंकर। उसके ऊपर हमें चारों तरफ से ये एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स लगाने होते हैं। तो चलिए फटाफट से इन क्रिस्टल्स को लगा लेते हैं। और भाई साहब, ये हैक और भी ज्यादा तगड़ा लगता है अगर आप शेडर्स यूज करते हैं। तो जैसे ही हम चारों तरफ लगाते हैं, इसके अंदर हमें चार ग्लोस्टोन लगाने होते हैं। तो मैंने फटाफट से टाइम को रायत कर लिया है और अभी इसमें चार ग्लोस्टोन लगेंगे। और उसके बाद भाई साहब देख रहे हो, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल एक लैंप बन जाते हैं। भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगता है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर से करना। तो अगर आप शेडर्स खेलते हैं तो यार ये और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगेगा। तो खैर, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट वाला हैक थोड़ा सा क्रीप है, लेकिन यार ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो ये करने के लिए हमें बस एक ग्लास और चार आर्मर स्टैंड लगेंगे। तो इन चारों के चारों आर्मर स्टैंड के हाथों में हमें एक एक आई ऑफ एंडर पकड़ाने होते हैं। तो चले फटाफट से इन सभी को आई ऑफ एंडर पकड़ाते हैं। और उसके बाद इन सभी की हमें पोजिशन चेंज करनी होती है। तो ऐसा लगना चाहिए कि आपको नीचे से एक गुलाब का फूल पकड़ा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। और बस हो गया। इसके बाद बस इसके ऊपर आपको इनविजिबिलिटी का पोशन मारना होता है और डन। भाई साहब ऐसा लगेगा कि आपने आई ऑफ एंडर को इन ग्लास के ऊपर चिपका के रखा है। भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है यार। बस सोचो एक बार आपका फ्रेंड आपके घर में आ जाए और आप चारों तरफ देखे, बस ऐसे ही आपने विंडोज़ बना के रखे हर तरफ, तो सच्ची में हैरान हो जाएगा। तो क्या आप इसे ट्राई करोगे, मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर से बताना। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट वाला हैक करने के लिए हमें छोटा सा बिल्ड बनाना होता है। और भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल का है। तो ये वाला बनाने के लिए हमें बस पावर रेल और डिटेक्टर रेल की ज़रूरत है। और उसके बाद एक होगी इसमें रेड टीम और एक होगी ब्लू टीम। तो उसके बाद हमें इस वाले रेल को तोड़ना होगा ताकि वो स्लोप रहे वहाँ पर। और उसके बाद हमें थोड़े से ब्लॉक्स एक्सटेंड करने होंगे इस तरफ के लिए। और उसके बाद डिटेक्टर रेल जहाँ पर आपने प्लेस किया होता है वहाँ पर एक आर्मर स्टैंड रख के उसे पूरा का पूरा एक नेदरराइट का आर्मर पकड़ाना होता है। और उसके बाद सेम उसी तरीके से उसके दूसरी तरफ, लेकिन इस बार उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। और उसके बाद इधर आप एक डायमंड का पूरा आर्मर उसे पकड़ा सकते हैं। और उसके बाद डन। और अभी यहाँ पर हमें दो माइनकार्ट्स लगाने होते हैं। अरे लग जा, ये क्यों नहीं लग रही अभी, लग ओके लग गई, डन। और उसके बाद हमें धीरे से जाके इस माइनकार्ट को धक्का देना होता है। और लो भाई साहब ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है यार। ऐसा लगता है कि दो आर्मर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक मिनट, क्या मैं इन माइनकार्ट्स को छिपा सकता हूँ इन ब्लॉक्स की मदद से? अबे भाई साहब ये माइनकार्ट्स रुक गए। चलो कोई नहीं, इसे वापस से धक्का दे के इन्हें वापस से चालू कर देते हैं। अभी फटाफट से इसे धक्का देते हैं इस माइनकार्ट को। चला जा भाई। हैं, ये क्या हुआ? अभी भाई दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए। मैंने मेरा हैक बिगाड़ लिया भाई साहब। लो मैंने फिर से वापस इसे फिक्स कर दिया है। भाई साहब मैं क्या ही बताऊं यार, अभी मैंने एक दोबारा से बनाया, दोबारा वो फिर से वही वैसे ही हो रहा है यार। और ये देखो, ये वाला ठीक हो गया, लेकिन गलती से मेरा हाथ उस आर्मर स्टैंड के ऊपर लग गया और वो गायब ही हो गया। भाई साहब देख रहे हो मतलब क्या ही सीन होता है यार मेरे साथ। तो लेकिन भाई साहब ये दूसरा जो बनाया था वो भी बिल्कुल इसी की तरह हो गया यार। दोनों एक दूसरे के अंदर घुस के बैठ चुके हैं। तो यार ये वाला एकदम ही नेक्स्ट लेवल लगता है यार, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर से करना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।